नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स एग्ज़ाम के जो आवेदन के बारे में बात करेंगे, आवेदन शुल्क के बारे में बात करेंगे और योग्यता के बारे में बात करेंगे, आयु सीमा के बारे में बात करेंगे, मेडिकल और जो सैलरी होती है एयरफोर्स एग्ज़ाम की, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात करते हैं हम ऑनलाइन जो फॉर्म की जो प्रारंभिक तिथि है वो 2 जनवरी 2019, मतलब जो जनवरी में इसका एग्ज़ाम आता है, और अंतिम तिथि होती है वो 21 जनवरी 2019 को होती है। ठीक है, जो अंतिम तिथि होती है आवेदन फॉर्म भरने की वो 21 जनवरी 2019 होती है। अब मार्च में ये इसका प्रवेश पत्र आता है, ठीक है, और परीक्षा की तिथि 14 मार्च 2019 से 17 मार्च 2019 के बीच में होती है। ठीक है, अब भारतीय वायुसेना के एयरमैन के प्रवेश पत्र जारी होते हैं वो 27 फरवरी, ठीक है, जो फरवरी में थे ना वो 27 फरवरी में स्टार्ट होते हैं। अब ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है, वो 14 से ऑनलाइन होगी परीक्षा, 14 से 19 तक, ठीक है, 14 से 17 मार्च 2019 तक। ठीक है, परिणाम की घोषणा आपकी ये होगी, परिणाम की घोषणा परीक्षा से 25 दिनों के बाद में होगी। ठीक है, अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी वो 30 अक्टूबर 2019, मतलब अक्टूबर में आपका चयन सूची जारी की जाएगी, और नामांकन सूची जारी की जाएगी वो 10 दिसंबर 2019 में। ठीक है, जो आवेदन शुल्क के बारे में बात करते हैं अब, तो ऑनलाइन परीक्षा के लिए पंजीकृत करते समय उम्मीदवार ₹250 शुल्क होगा आपके, जो इस फॉर्म के लिए आवेदन शुल्क है, और जो भुगतान की तिथि है वो आप कैसे भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या फिर आपके एक्सिस बैंक के शाखा, ठीक है, से जो चालान भुगतान द्वारा भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं योग्यता के बारे में, तो योग्यता क्या होनी चाहिए कि ग्रुप एक्स के पद जो हैं, ग्रुप एक्स पदों के लिए आवेदक का 12वीं में गणित, ठीक है, 12th में गणित, फिजिक्स और इंग्लिश विषयों के साथ 50% अंक होने चाहिए। इंजीनियरिंग में 3 वर्ष डिप्लोमा होना चाहिए। वही ग्रुप वाई के लिए किसी भी स्ट्रीम में 50% अंकों के साथ 12th मतलब 12वीं पास होना चाहिए। वही ग्रुप वाई के मेडिकल ट्रेनर के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है इसमें, और उसमें गणित होती है, ठीक है, एक्स ग्रुप में। तो बायोलॉजी और इंग्लिश में 50% अंक होने चाहिए और अंग्रेजी में 50% अंक होने चाहिए। अब बात करते हैं कि इस वाई का ही ये ग्रुप हमने पूरा एक बार वापस ले लिया, 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अब आपकी जो आयु सीमा है वो होनी चाहिए 17 से 21 वर्ष, ठीक है, 17 से 21 वर्ष आयु वर्ग के अंतर्गत होने वाले उम्मीदवार ये आवेदन भर सकते हैं। 19 और 1 जनवरी 2003, ये दोनों हो, 2003 दोनों दिन सम्मिलित करने के बीच पैदा हुआ जो उम्मीदवार है वो आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो आयु में छूट, तो किसी विशेष उम्मीदवार के ऊपरी आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है, अविवाहित होना चाहिए। और आपके जो चिकित्सा की बात करें हम इसमें मेडिकल के बारे में, तो इसकी जो ऊंचाई आपकी ऊंचाई होनी चाहिए वो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन ऊंचाई और उम्र के अनुपात में निकाले गए 55 समथिंग होना चाहिए किलोग्राम। जाति आपकी जो विस्तार की न्यूनतम सीमा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और सर्जरी कुछ भी होनी नहीं चाहिए आपकी। अब बात करते हैं आपके जो कानों के सुनने की क्षमता है वो अच्छी होनी चाहिए, और 6 मीटर की दूरी पर जो भी कानाफूसी होती है वो आपको सुनने के लिए सक्षम होना चाहिए, और स्वस्थ मसूड़े, दांतों का अच्छा सेट और न्यूनतम 14 दंत बिंदु होना चाहिए। शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी में जो कैंडिडेट हैं उसको, जो एक्स ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं उनकी 33,100 प्रतिमाह, और वाई ग्रुप में है वो 26,900 प्रतिमाह आपकी जो होगी, और प्लस महंगाई भत्ता भी होगा साथ में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।